हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन ऑन पार्सेवल थ्योरम। ए टू ओम रेजिस्टर जिसमें आई टी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, ई की पावर माइनस टी यू टी। हमसे पूछेगा व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी इज इन द फ्रीक्वेंसी बैंड माइनस फोर टू फोर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू माइनस चार से चार के बीच में टोटल एनर्जी का कितना पार्ट होगा, ये पूछा हमसे गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, पहले इस लास्ट वाली लाइन है उसका मतलब मैं समझाता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगी टोटल एनर्जी होगी, ये पूरा बैंड होगा। ठीक है, मान लो ये टोटल एनर्जी है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में आई टी की। अब हमसे कह रहा है जब ये माइनस चार और चार के बीच में जितनी एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का कितना है, ये पूछा गया हमसे। मान लो मैंने कह दिया इसको नाम दे देता हूं मैं कुछ भी डब्लू वन, ठीक है, या कुछ और नाम दे दो, इसको मैंने कह दिया डब्लू डैश। ठीक है, और टोटल है जो एनर्जी है पूरी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मैंने कह दिया उसको डब्लू। ठीक है, तो हमसे पूछा गया आपकी, सॉरी डब्लू, अब हमसे व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी का कितना परसेंट, तो माइनस चार से चार के बीच वाली एनर्जी अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमसे ये चीज निकालने को पूछा गया। ठीक है, तो पहले क्या करना है मुझे, पहले टोटल एनर्जी निकाल लेता हूँ, फिर माइनस चार से चार के बीच में जितनी होगी फिर निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो हमें पार्सिवल थ्योरम पता है क्या होती थी, पार्सिवल थ्योरम मैं लिख देता हूँ जल्दी से। पार्सिवल थ्योरम जो होती थी ये होती थी, ठीक है, ये कब होती थी, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू वन होती थी। अगर रेजिस्टेंस वन ओम होके कुछ और होता तो क्या कर देते, दोनों तरफ आर का मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर क्या है, 2 ओम है, तो इसलिए हमें 2 ओम से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। फिलहाल पहले हम टोटल एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, आर की वैल्यू हमारी 2 है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन उसमें माइनस ओमेगा टू ओमेगा, तो उसी हिसाब से सोल्व करते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी दोनों तरह से निकाल सकते हैं, डब्ल्यू निकालने के लिए हम टाइम डोमेन और फ्रिक्वेंसी डोमेन दोनों से वो है। ठीक है, कोई सी से निकाल लो, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, उस जो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाली आएगी उसी के हिसाब से माइनस ओमेगा टू ओमेगा आएगी, दोनों की एनर्जी इक्वली रहने वाली है। ठीक है, फिलहाल चलो मैं इससे बात कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ये आसान पड़ेगा, कौन सा, मुझे लगता है टाइम डोमेन वाले से ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं टोटल, देखो आप उससे निकाल के दिखाना। ठीक है, ओमेगा वाले से, मैं इससे टाइम डोमेन से निकालता हूँ टोटल एनर्जी वाले के लिए। ठीक है, टोटल एनर्जी यानी पहले हम निकाल लें डब्ल्यू, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आर, दोनों लेफ्ट हैंड वाला लगा लो या राइट हैंड वाला लगा लो, तो ये एक्स टी जो है तुम्हें दिख रहा होगा रियल फंक्शन है, तो मोड फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं रही यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे लगा दो बस, डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू है 2, और यहाँ पे है यू टी, अगर यू टी है तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी पर चली आएगी। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दो, ई की पावर माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है, टू e की पावर माइनस टू टी डी टी, e की पावर टर्म का मैंने बताया कितने आसानी से करते हैं हम इस इंटीग्रेशन, जो e की पावर है वो सेम रखते हैं और जो पावर है उसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। अब लगा दो इसकी लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा, टू e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस टू माइनस e की पावर 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 0 प्लस 1/2, तो यहाँ से कितना आ गया, और ये हो गया 2/2, यानी टोटल एनर्जी जो वो कितनी आती है, आ चुकी है यहाँ पे 1 जूल। ठीक है, अगर दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते वो भी ठीक रहता, लेकिन अगला जो हमें डब्ल्यू डैश जो निकालनी है वो क्या निकालना, माइनस ओमेगा टू 4 के बीच में। ठीक है, माइनस 4 टू 4 के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसमें टाइम डोमेन के बारे में पता नहीं है, पहले वाले में हम फ्री थे क्योंकि उसमें तो जितना माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के ओमेगा के बीच में आएगी इतनी माइनस इन्फिनिटी
इन्फिनिटी के लिए आएगी, ठीक है। टोटल एनर्जी दोनों की इक्वल रहती है, ठीक है, दोनों साइड से निकाल सकते हैं। अब निकालता हूं मैं डब्ल्यू डैश, तो डब्ल्यू डैश निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, राइट हैंड साइड वाला, ठीक है, वन आर मल्टीप्लाई बाय टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा। तो एक्स ऑफ पहले निकाल लेते हैं, हमें जो गिविन है यहाँ पे क्या क्या गिविन है, एक्स टी बराबर गिविन है e की पावर माइनस टी यू टी, ये गिविन है, ठीक है। इसका अगर इसका एक्स ऑफ ओमेगा निकालोगे कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस टी यू टी का क्या होता है, e की पावर माइनस ए टी का फॉर्मूला क्या होता था फॉरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं। e की पावर माइनस ए टी यू टी का कितना होता था, वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा, ए की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे वन, यानी वन प्लस जे ओमेगा, ठीक है। इसका मैं मोड निकाल लेता हूँ हाथ, तो यहाँ से ये मोड कितना आ जाएगा, क्या आता है, पहले न्यूमेटर का मोड निकालो, न्यूमेटर का सेम रहने वाला रियल है, नीचे क्या निकालते हैं अंडर द रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ क्या लिख लूंगा मैं, स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अगर देखो तो इस फॉर्मूले में लगा देता हूँ ओमेगा की वैल्यू जो कहाँ से कहाँ तक दे रखी है मुझे पता, ओमेगा जो मेरा कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है वो माइनस चार से चार के बीच में, ठीक है। तो मैं डब्ल्यू डैश निकालता हूँ, आर की वैल्यू है दो, दो हम दे रखी थी, अब ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, माइनस चार टू चार, और मेरा जो ये आया कितना आया, वन अपॉन अंडर द रूट में ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इसका होल स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दो, फिर उसके बाद हम रेशियो निकाल लेंगे। तो यहां से ये कितना आ गया, मैं इसको यहां लिख देता हूँ, टू से टू कैंसिल हो गया, वन अपॉन पाई माइनस फोर टू फोर पाई, ये हो जाएगा वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वन डी ओमेगा, वन अपॉन ए, इसे मैं वन का स्क्वायर लिख लूँ, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह कितना, वन टेन इनवर्स ओमेगा यानी एक्स है यहाँ पे, और ये कितना वन, ठीक है, ये आनी चाहिए आपको वैल्यूज। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, ये कितना हो गया, टेन इनवर्स लिमिट लगाऊंगा तो टेन इनवर्स फोर माइनस टेन इनवर्स माइनस फोर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो मेरा डब्ल्यू डैश कितना आ गया, वन अपॉन पाई, ये कितना आ गया टेन इनवर्स फोर, टेन इनवर्स में क्या होता है माइनस बाहर आ जाता है तो ये प्लस बना देगा इसको, ये कितना आ गया, सोलो के टू टेन इनवर्स फोर अपॉन पाई, ठीक है, यहां तक बात समझ आई होगी। उसके बाद हमसे पूछा गया था परसेंटेज कितनी होगी, ठीक है, यहां तक बात आ गई। आगे पूछा गया था फॉर्मूला देखो, हमें कहता है डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, यानी परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा। तो हमसे परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी पूछा गया था, परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी जो कि हमने निकाला था, मैंने रिलेशन बताया था क्या था, डब्ल्यू डैश जिस बैंड में निकाल लो अपॉन टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। डब्ल्यू डैश कितना, टू टेन सॉरी टू टेन इनवर्स फोर अपॉन पाई डिवाइडेड बाय, डब्ल्यू डैश की वैल्यू कितनी आई थी वन, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये वन से डिवाइड करेंगे ऐसा ही रहने वाला, तो कितना यार टू टेन इनवर्स फोर अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज का साइन लगा लो, ये परसेंटेज ही निकाल लो। तो जब इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर में पुट करो इसको, तो ये वैल्यू देगा 84.4%। तो ये टोटल एनर्जी जो माइनस फोर से फोर के बीच में कितनी होगी, 84.4% एनर्जी होगी उस बैंड की, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, इसका मतलब
यहाँ पे जो अगर टोटल एनर्जी 100% है तो 84.4 माइनस चार से चार के बीच में ही है इस सिग्नल के लिए, ठीक है, ये जो ई की पावर माइनस टी यू टी है, तो इसकी जो एनर्जी है ज्यादातर कह सकते हैं माइनस चार से चार के बीच में ही है, ठीक है। 84.4% केवल ये इतनी सी जगह में आ जा रही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। देखो यहाँ पर पार्सिवल थ्योरम का काफी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से हम क्या करने वाले, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं पार्सिवल थ्योरम पे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जब आर की वैल्यू आ जाए, ठीक है, और एनर्जी डिसिपेटेड आ जाए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, वहां पे वो थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा, क्योंकि लंबे टाइम से ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते रहे, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज और भी यूज करना चाहता है थोड़ी सी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।